Welcome to Advanced School Math and Science, Class 9, Chapter 1, Part 1, Episode Number 1. Math का number system का पहला part लेके आए हैं। इसमें number system में हम क्या-क्या पढ़ाएंगे? पहले ये बात को जान लें। आपको introduction number system का introduction पढ़ाएंगे, number system का। दूसरे बारे में relational number के बारे में सिखाएंगे। तीसरे में real number and their decimal expansion, representing the real number on the number line, operation of real number, laws of exponent for real number, और summary और division करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग part one में हम सिखाने का प्रयास introduction number system। यहाँ पर number system का introduction। number system में देखो यानी family of number। देखो यहाँ पर छोटे-छोटे पहले बात को पढ़ें। सबसे पहले नेचुरल नंबर आया, इसमें जीरो नहीं। नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आया, जीरो इनटू होल नंबर के बाद इंटीजर्स आया, इंटीजर्स के बाद रेशनल आया और रेशनल के बाद रियल आया और रियल के बाद कॉम्प्लेक्स आया। ये इसका सिंबल है, यानी नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, यहां जीरो शामिल हो गया, यहां पर निगेटिव भी आ गया। और इसमें तुम्हारे पास जैसे 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 और ऐसे हैं। और यहां पर तो और मजा आ गया, यहां और यहां 2, बीच में 2, 3। आगे चल के कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे यहां रिप्रेजेंट करोगे तो रियल पार्ट में ये हो, इमेजिनरी पार्ट में ये हो, या नंबर सिस्टम कहलाया। यानी नेचुरल नंबर को एन से इंडिकेट किया, यानी यहां प्रॉपर सबसेट हो गया होल नंबर, होल नंबर प्रॉपर सबसेट हो गया इंटीजर्स का, इंटीजर्स प्रॉपर सबसेट हो गया रेशनल, रेशनल प्रॉपर सबसेट हो गया रियल का, रियल प्रॉपर सबसेट हो गया कॉम्प्लेक्स। अब तुम सुन रहे होगे कान में एक आवाज आ रहा होगा प्रॉपर सबसेट, सबसेट देखो सेट तो जानते हो ना, अब उससे जो पार्ट होगा सबसेट होगा, जैसे नाम सुना होगा सब इंस्पेक्टर, यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कहेंगे, लेकिन प्रत्येक होल नंबर को नेचुरल नहीं कहेंगे, प्रत्येक होल को इंटीजर्स कहेंगे लेकिन प्रत्येक इंटीजर्स को होल नहीं कहेंगे, प्रत्येक इंटीजर्स को रेशनल कहेंगे लेकिन प्रत्येक रेशनल को इंटीजर्स नहीं कहेंगे, प्रत्येक इंटीजर्स को रेशनल कहेंगे लेकिन प्रत्येक रेशनल को जो है रियल नहीं कहेंगे, प्रत्येक रेशनल को रियल कहेंगे लेकिन प्रत्येक रियल को रेशनल नहीं कहेंगे, प्रत्येक रियल को कॉम्प्लेक्स कहेंगे लेकिन प्रत्येक कॉम्प्लेक्स को रियल नहीं कहेंगे। इसी ढंग से एक छोटा सा एग्जांपल हम मेंसुरेशन से लेता हूं, तो इसको हम पेन से थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहां स्क्वायर है और स्क्वायर है रेक्टेंगल, यानी जो भी स्क्वायर है उसको रेक्टेंगल कहा जा सकता है लेकिन प्रत्येक रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहा जा सकता, प्रत्येक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहते हैं लेकिन प्रत्येक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं कहते, प्रत्येक पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं लेकिन प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम नहीं कहते, प्रत्येक क्वाड्रिलेटरल को पॉलीगन कहते हैं लेकिन प्रत्येक पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल नहीं कहते हैं। यह तुम्हारे पास आ गया। आइए हम लोग अब इसको विस्तार पूर्वक हम लोग करते हैं। तो यहां पर देखिए
आप नेचुरल नंबर के बारे में डायरेक्ट हम आपको फिगर डाले हैं आपको यहां पर रेशनल नंबर। यहां देखिए जीरो है, एक बटे चार, एक बटे दो, यहां एक, यहां दो तीन, इधर माइनस एक बटे तीन, ये तुम्हारे पास है। इसमें अगर कोई दिक्कत आए तो बोल सकते हो नहीं दिक्कत है, तो सोचो, सोचने का मौका है। यहां पर तुम्हारा एक बटे पांच होगा, एक बटे छ होगा और नजदीक, तो सोचो क्या है कि मेरा 1.5 का होगा सर, तो देखो 1.5 का, तो सोचो 2.5 का होगा तो यहां होगा, यानी तुम्हारे पास नंबर लाइन की जानकारी। अगली आपकी बात, चंचल के भी देख सकते हो ना, यहां पर देख रहे हो एक टेक एक कर लिया, अगला ये फानेगी यहां फानेगी, अगला फिर वहां फानेगी, ऐसे देखो। यह चीज को तुम लोग को हम बताते हैं, यह बात तुम्हारा की 9 सपोज यू आर स्टार्ट वॉकिंग अलोंग टू नंबर लाइन इन द क्रैक द सम नंबर गेट इन द बीइंग रेडी इज द स्टार्ट देन यू मैन बिगिन द पिकिंग जो है से आप जो है से वाली नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इसको मैं कर लिया। ये होल नंबर जीरो रिटर्न किया तो उसमें जीरो भी आ गया, लेकिन और तुम और पीछे गए। जेहलेन का मतलब होता है काउंटिंग करना, वह निगेटिव में भी काउंट हो सकता है, पॉजिटिव में भी काउंट हो सकता है। यह 7 क्लास में तुम लोगों को मैं बताया भी था कि अभी G1, G2, G3, G4 ये सब सब देखोगे, अब सब नंबर स्टील लैब का लाइन यहां पर दिखाया गया है कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर जिसे हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, इसको क्वेश्चन भी कहते हैं, रेशियो भी कहते हैं, यानी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, क्यू नॉट इक्वल जीरो होता है और पी क्यू इंटीजर्स होते हैं। यहां पर एक पेज लेना पड़ेगा, पेज इसलिए लेना पड़ेगा कि यहां पर कुछ गुरु मंत्र तुमको दिखाना चाहिए। यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि एक रेशनल नंबर है, दूसरा फ्रैक्शनल नंबर है और तीसरा जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। यह 9 क्लास का काफी इंपॉर्टेंट बात सिखाने के लिए होता है। तो रेशनल नंबर में हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं क्यू नॉट इक्वल जीरो और पी एंड क्यू को इंटीजर्स कहते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल नंबर में ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं बी नॉट इक्वल जीरो और ए एंड बी को होल नंबर कहते हैं। लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में ए बाई बी के फॉर्म में लिखते हैं बी नॉट इक्वल जीरो और ए एंड बी होल नंबर होता है और साथ में ए छोटा होता है बी से। यह बात तुम्हारे पास क्लियर हो गया, यानी यहां पर भी एक बात तुमको क्लियर होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट सबसेट होता है फ्रैक्शनल नंबर का और ये सबसेट होता है रेशनल नंबर। यह बात तुम्हारे पास यहां पर भी क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास आगे बात को करेंगे। यू ऑल्सो नो दैट द रेशनल नंबर डॉट हैव
in the p upon q integers q not equal zero, 1 by 2, इसको हम 2 by 4 लिख सकते हैं, 10 by 20, ये सब का वैल्यू एक ही है। यानी अगर हम तुमको जो कहे कि उसका शॉर्ट फॉर्म करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी p और q का एचसीएफ 1 होना चाहिए, और उसी के इक्विवेलेंट ये सब सब लिखा गया है। अब तुम्हारे पास क्या है, कुछ क्वेश्चन है आगे, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, गिव द रीजन योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, नो नो नो, यहां पर फिगर बनाओ, ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, और यहां पर इरेशनल, यहां इरेशनल, यानी यहां नो होगा। एवरी इंटीजर्स इज रेशनल, यस। एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स, नो। आगे फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, इसको हम कम से कम तुमको हम 5 ढंग से, चलो 3 ढंग से बताते हैं, तो 3 ढंग से हम बताता हूं। यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, और ये 5 रेशनल नंबर में बांट, 5 को रेशनल नंबर इसके बीच में डालना है, तो यहां पर पहला आपको जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको 5 भाग में 5 को डालना है, 1 यहां, 2 यहां, 3 यहां, 4 और यहां 5। तो देखिए कितने भाग में बढ़ गया, सोचिए, 1 2 3 4 5 6, यानी यह 6 भाग में बट गया, कितने भाग में बट गया, 6 भाग में बट गया। यानी तुम कहोगे कि 1/1 था, यहां 2/1 था, यानी आपने 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर 6/6 हो गया, यहां 12/1, 12/6, सॉरी। अब तुम्हारे पास ये वाला वैल्यू तुम्हारा निकल गया 7/6, यहां 8/6, यहां 9/6 और यहां 10/6 और यहां 11/6। यह बात तुम्हारा फर्स्ट मेथड से हो गया, इसमें कोई दिक्कत। दूसरा तुम्हारे पास क्या हुआ कि पहले से तुम यहां पर 1 था और यहां 2 था, इसको 5 भाग में बांटना है, तो टोटल हो गया 2-1, यानी यहां 1 है, और इसको 5 भाग में बांटना, ज्यादा हम लोग करेंगे तो 1/6 का डिफरेंस हो जाएगा। यहां पर ये a1 और यहां पर a2, यहां a3, यहां a4, यहां a5, यानी a1 का हम वैल्यू निकालेगा तो a+d हो जाएगा, a2 का वैल्यू निकालेगा तो a+2d हो जाएगा, और a3 का वैल्यू निकालेगा तो a+3d हो जाएगा, और a4 का वैल्यू निकालेगा तो a+4d हो जाएगा, और a5 का वैल्यू a+5d हो जाएगा, और d की वैल्यू यहां 1/6 है और इनिशियल वैल्यू 1 है, यानी आराम से निकाल देगा, 1 + 1/6 करेगा, दिस इज द 7/6, यहां 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। दूसरा तुम्हारे पास क्या हुआ कि 1/6 डेक लेके चलना चालू कर दिया, यहां 1/6 डेक चला, यहां 2/6 डेक चला, यहां 3/6, 4/6 और 5/6, और 1 पहले से है तो यहां पर 1 और 1/6। अगला में अब तुम्हारे पास एक मेथड और हम बताता हूं, चूंकि यहां पर ये 1 है, यहां पर 2 है, तो पहले मिड पॉइंट निकाल दीजिए, पहला निकल गया, अब ये दोनों के बीच में निकालिए, 1 है, 1.5 है, तो जोड़ेंगे तो 2.25 हो जाएगा।
जो तो यहां पर हो जाएगा 1.125। यहां 2 और यहां पर सारे तीन यानी 1. यहां पर 75 हो जाएगा। अब इसके इसके बीच में निकालिए, इसके इसके बीच में निकालिए। एक तरीका आप हो गया तुम्हारे पास, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है, यानी इसको आप निकालेंगे यहां 1.1, यहां 1.2, 1.3, ऐसे 1.4, 1.5, यानी इस टाइप से आप आराम से निकाल सकते हो। यानी यहां पर निकालने का हम 3-4 तरीका बता दिए। अब बात करोगे ना कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर कितना निकल सकता है, तो काउंटिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एन निकालेंगे तो एन पर सोच कर देंगे, और एन आपने इंफिनिटी तक सोच लिया तो हम भी आपको इंफिनिटी तक सोचने का मजबूर हो जाएंगे। यानी यहां पर टोटल निकल सकता है इंफिनिटी, यहां पर आपका जो है काउंट जो है लेस हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जो है अगला पारी जो हमारा है, ये बात तुम अच्छे ढंग से समझ गया है। अब यहां पर देखो, तो यहां पर तुम्हारे पास रिश्ता नंबर अगर इधर जाते हो तो पॉजिटिव होगा, इधर जाते हो तो निगेटिव होगा। आइए अब तुम्हारे पास क्वेश्चन की बारी आ गया। एक्सरसाइज 1.1 पूछ रहा है, इज ए 0 रेशनल नंबर? यस। कैन यू राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल 0? यानी 0/a लिखेंगे और a नॉट इक्वल 0 हो, ये तुम्हारे पास क्लियर हो गया। अब तुम्हारे पास क्या करेंगे, फाइंड द 6th रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4 के बीच में 6 निकालना। यहां पर 3 है और यहां पर 4 है, 6 निकालना। A1, A2, A3, A4, A5, A6। तो ये जो पार्ट बटा 7 हो गया, यानी 7 भाग हुआ, तो 3 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी और नीचे, यानी 21/7, यहां 28/7, यानी आंसर यहां पर हो जाएगा 22/7 पहला का, 23/7 दूसरा का, 24/7 तीसरा का, यहां 25/7, 26/7, 28/7। यह फर्स्ट मेथड से तुम्हारा आ गया। अब तुम्हारे पास क्या आएगा, यहां 3 है, यहां 4 है। अब तुम्हारे पास इसकी पहले डिफरेंस निकालेंगे, बी माइनस है तो 4 - 3, और जितना भाग में बांटना होता है उससे ज्यादा, तो बांटना है 6 तो यहां 7, यानी डिफरेंस बराबर 1/7। यह तुम्हारा 1/7 हो गया, इससे जुड़े यहां पर यह 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और यह 6/7। यानी पहला आंसर तुम्हारे पास आया 3+1/7, यानी 7 + 21 = 22/7, और 3+2/7 यानी 23/7, अगला 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। इसी ढंग से तुम्हारे पास जो है दूसरे मेथड से भी इसको कर सकते हो, तो यहां पर 3 है, यहां 4 है, तो बीच का किया 7/3। अब इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसके बीच में,
फिर इसके बीच में, इसके बीच में ऐसे करके भी निकाला जा सकता है। और चूंकि यहां पर तीन है या चार है, तो यानी तीन से ज्यादा और चार से कम का रहा है, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ऐसे करके निकाल सकते हो। अगला तुम्हारे पास कह रहा है कि फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन, यहां पर भी है, यहां ये 3/5 है और यहां 4/5 है, और 5 रेशनल नंबर निकाल रहे हो, A1, A2, A3, यहां A4 और A5। यानी 1/5 है और यहां पर 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो आपको आपको यहां पर 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 और यहां 24/5, यानी ये 19/5, 20/5, 21/5, 22/5 और 23/5, ये हो गया। इसी ढंग से अगर डिफरेंस वाला एस से निकालेंगे, तो यहां 3/5 है, ये 4/5 है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ए फाइव, यहां 5 निकालना है, तो यहां पर 4/5 - 3/5 = 1/5 और 5 निकालना है तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे तो 1/23, यानी डी की वैल्यू 1/30 और ए की वैल्यू 3/5, यानी यहां 1/30 लिख देंगे, यहां 2/30 लिख देंगे, यहां 3/30, 4/30 और 5/30, अब जोड़ते हुए चले जाएंगे। अब तुम्हारे पास नेक्स्ट जो हमारा पास जो है, यहां पर 3/5 है और यहां 4/5 है, बीचों बीच निकालोगे तो 7/5 यानी 7/10 हो जाएगा, फिर इसके बीच में, इसके बीच में, और यहां पर इसको 0.6 लिख सकते हैं और 0.8 लिख सकते हैं, यानी 0. तुम्हारे पास 61, 0.62, 0.63 ऐसे करके लिखते चले जाओगे, तो तुम्हारे पास 3 नंबर भी क्वेश्चन तुम्हारे पास हो गया। 4 नंबर कहता है स्टेट विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स गिवन द रीजन, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस, एवरी इंटीजर इज होल नंबर, नो, एवरी रेशनल इज होल नंबर, नो, क्वेश्चन विंडो का समय आ गया है, 1/5 को 0.20 लिख सकते हैं, 0.25 लिख सकते हैं, यानी इसको आप सॉल्व करो 33/7 को 0.6641, यानी यह रन कर गया। 4/11 को भी रन करवा के देखते हैं हम, 11/4, 11 3 33 भाग गया, नहीं हुआ, 57 को 13 से करते हैं 0.7×14, यहां 16, ये भी रन कर, 17/7 करते हैं, 17 चौक 68 नहीं किया, ए और सी आंसर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स गिवन द रीजन आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 and 10। अगला तुम्हारे पास कह रहा है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, नो, क्योंकि यह नेचुरल नंबर का घर है, यहां पर यह होल नंबर का घर है और यहां पर यह इंटीजर्स का घर है और यहां पर रेशनल का घर है और ये रियल का घर है और अगला ये कॉम्प्लेक्स का घर है
यह रीजन हुआ। एवरी इंटीजर्स इरेशनल नंबर हाँ जो है, एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर्स नो फॉल्स है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर यस ट्रू है, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर नो फॉल्स, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर फॉल्स, एवरी फ्रैक्शनल पार्ट नंबर इज फ्रैक्शनल नंबर यस। यहां पर हम बताए थे कि पहले फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फिर फ्रैक्शनल नंबर होता है, और उसके बाद फिर आपका रेशनल नंबर। एवरी फ्रैक्शनल नंबर इज रेशनल नंबर ट्रू, एवरी रेशनल नंबर इज इरेशनल नहीं, यहां पर फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नंबर यानी फॉल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस।